हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी फॉर आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर न्यू दो नोटिफिकेशन जारी की गई हैं थ्री थाउजेंड प्लस आपकी एम टी एस क्लास फोर्थ वेकेंसीज निकल कर आ चुकी हैं जो की टेंथ ग्रेजुएशन पास पोस्ट हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है अप्लाई अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होने वाले हैं सिलेबस क्या रहने वाला है है कैसे आपको करना कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो को एंड तक देखना चैनल पर पहली बार आ चुके हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आप किस 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 डिस्ट्रिक्ट स्टेट से बिलोंग करते हो यह है ऑफिस नोटिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हो एमटीएस टी यहां पर आप चेक कर सकते हो नेम नेम ऑफ ऑफ द पोस्ट द डिपार्टमेंट पे लेवल और कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं सबसे पहले वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एमटीएस टी पे लेवल वन रहने वाला है ओपन मेरिट के लिए एटी सेवन ओ के लिए सिक्सटी फोर एस के लिए फोर एस के लिए सिक्सटीन ईडब्ल्यू के लिए ट्वेंटी थ्री यही टोटल आपके वन नाइनटी फोर पोस्ट हैं इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एम टी एस पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नाइनटी नाइन ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन एम टी एस पोस्ट एटी सिक्स टोटल नेक्स्ट है प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस इसके लिए एम टी एस पोस्ट है टोटल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सिक्सटी फोर लेजिसलेटिव असम्बली सेक्ट्रेट इसके लिए भी एम टी एस पोस्ट हैं जो कि यहाँ पर आपके रहने वाले हैं थर्टी टू चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर इसके लिए सिक्सटीन पोस्ट रहने वाली हैं इसी तरह डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेस्टिक्स थर्टीन पोस्ट प्लानिंग के लिए थर्टीन पोस्ट और डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग यू जो डिपार्टमेंट है उसके ट्वेल्व पोस्ट लैंड एंड बिल्डिंग इसके सेवन पोस्ट आर्कोलॉजी इसके, इसके लिए सिक्स पोस्ट इसी तरह लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स इसके लिए फाइव पोस्ट डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट इसके लिए फोर पोस्ट इसी तरह आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आपके कितने वेकेंसीज है या यह आप यहाँ पर देख सकते हो ओपन मेरिट के लिए 253 अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल 567 आपकी वेकेंसीज रहने वाली हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 8 मार्च 2024 रहने वाला है इसी तरह जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो नेम ऑफ द पोस्ट नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और साथ में यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप वेकेंसी देख सकते हो फार्मिस्ट नर्सिंग ऑफिसर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर आया कुक कुक इसी तरह ट्रांसलेटर सेक्शन ऑफिसर अलग अलग वैकेंसीज रहने वाली हैं। टोटल आपकी वैकेंसीज यहां पर रहने वाली हैं एटीन हंड्रेड सिक्स इसी तरह क्वालिफिकेशन की बात करेंगे जो एम टी एस पोस्ट उनके लिए मिनिमम टेंथ ट्वेल्थ इसी तरह बाकी जो पोस्ट हैं उनके लिए ग्रेजुएशन रहने वाली है क्या इसके लिए आपका सिलेबस रहता है सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग इसके क्या क्या टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वो मैंशन किए गए हैं इसी तरह नेक्स्ट है अर्थोमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर आप टॉपिक वाइज चेक कर सकते हो आपका सिलेबस क्या रह सकता है इन पोस्ट के लिए जितने भी एम टी एस पोस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका क्या रहता है और आर पार्ट है जिनको हिंदी लैंग्वेज है उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट है जनरल अवेयरनेस वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो जिसमें करंट इवेंट्स हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स इंडियन पॉलिटी आर्ट एंड कल्चर जियोग्राफी इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस साइंटिफिक रिसर्च नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये इसका सिलेबस रहता है जितने भी एम टी एस पोस्ट है बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पर आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन के लिए आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आपका लास्ट डेट रहने वाला है कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं जितने भी कैंडिडेट्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं किसी भी यूटी के हैं इंडिया के तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई आपको कहाँ पर करना है जो ही आपका फार्म डेट स्टार्ट होगा आपको जाना है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट या एच डी टी पी एस डी एस एस बी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन यहाँ पर आपको जाना है और अपना फार्म अप्लाई करना है ये यह आप यहाँ पर ऑप्शन नोटिफिकेशन देख सकते हो या इनकी ऑफियल वेबसाइट पर आप जा सकते हो वहां पर आप शार्ट नोटिफिकेशन देख सकते हो या आप यहां पर देख सकते हो ऑफिसल नोटिफिकेशन है कोई भी फेक नोटिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ एन सी टी ऑफ दहली इनकी तरफ से जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है इनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है अभी तो ये इनके लिए शार्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है आपके पोस्ट जो है कितने पोस्ट है, कहां कहां पर वैकेंसीज हैं और साथ में जो आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स से क्या क्या रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर इस ऑफिशल नोटिफिकेशन में देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है फुल नोटिफिकेशन ये थी अपडेट बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए ऑल इंडिया पोस्ट हैं याद रखना अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मैंशन जरूर करना मिलता है अपने इसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड लक